तो आप देख रहे हैं जैसा पूरे के पूरे वीडियो इस पर बता तो दी कैसे ये किया मोदी साहब ने जो है ये कैसे किया रिलीज कर दिया जो उनके पर्सनल थे पहले वीडियो पर देते हैं इस बार

तो देख, ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बैठा है ये तो आग बबूला हो रहा है जैन दोस्तों मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों देश में खुशी की लहर है हमारे आठ भाई वापस कदर से आ गए मैंने कवर तो करा था कल लेकिन आज मैं थोड़ा डीपली आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या थे कौन कौन थे जिन्होंने शतरंज खेली कौन कौन थे जिन्होंने और मात करी ये देखिए इतना आसान नहीं था दोस्तों एक मुस्लिम देश एक कट्टर मुस्लिम देश जिसके पास लबालब तेल भरा हुआ है एक ऐसा मुस्लिम देश जिसको आशीर्वाद है अमेरिका का एक ऐसा मुस्लिम देश जिसके यहां हमास वाला भी रहता है और तालिबान भी रहता है जिसके यहां हिजबुल्ला भी रहता है जो पूरे इस्लामिक दुनिया की कयादत करना चाहता है जो ईरान का दोस्त है जो तुर्की का दोस्त है जो सऊदी अरब से आंखों में आंखें डाल के बातें करता है कतर को इतना हल्का मत समझिए दोस्तों है छोटा इसमें कोई शक नहीं है जनसंख्या कम है उसका जो साइज है वो भी कम है लेकिन कतर कम नहीं है दोस्तों इसी कतर ने हाल फिलहाल में सॉकर का वर्ल्ड कप करा था और अपनी शर्तों पे करा था सॉकर का वर्ल्ड कप करना यह दिखाता है कि कतर हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज उस कतर को जराइल के नाम पे आठ भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाना देखिए आप पहले गेम समझिए पूरा मैंने आपको बता दिया कतर क्या है फिर मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो कतर है वहां पे कितनी नफरत है इसराइल को लेकर जो कि 90 परसेंट मुस्लिम दुनिया में है 90 परसेंट मुस्लिम दुनिया में इसराइल को लेकर नफरत है मैं आपको एक और बात बताता हूं यह नफरत क्यों है यह दोस्तों नफरत फिलिस्तीन को लेकर नहीं है यह एक बहुत बड़ी गलत है लोगों में फिलिस्तीन फिलिस्तीन तो एक है फिलिस्तीन तो एक दिखावा है यह लड़ाई जो यहूदियों के खिलाफ है यह जाती है 1400 साल पहले अगर आपको कोई भी शक है तो सही अल बुखारी पढ़ लीजिए सारी बीमारी दूर हो जाएगी सारे शक दूर हो जाएंगे सही अल बुखारी में लिखा है कि यहूदियों को मारो सही अल बुखारी कहता है मारो यहूदियों को और वो कहता है कि कयामत के दिन जब यहूदी भागेगा और तुम ओ मुसलमान यहूदियों का पीछा करोगे मारने के लिए तो डर के मारे यहूदी पेड़ के पीछे और पत्थर के पीछे छुप जाएगा और जब पेड़ और पत्थर के पीछे छुपेगा तो कयामत के दिन पेड़ और पत्थर गवाही देंगे और कहेंगे या मोमिन मोमिन यानी कि मुसलमान या मोमिन मानने वाले मेरे पीछे यहूदी छुपाए इसकी गर्दन काट समझ रहे हैं मेरी बात और ये बिलीव करते हैं लोग ऐसी बात नहीं है कि बिलीव नहीं करते बिलीव करते हैं ये मानते हैं ये एक विश्वास है और जो आठ हमारे भाई थे उनके ऊपर लंचन क्या लगाया गया था उनके ऊपर तोहमत क्या लगाई गई थी उनको दोष किस चीज का दिया जा रहा था कि तुम उन्हीं यहूदियों के लिए जासूसी कर रहे हो एक तो जासूसी कर रहे हो और दूसरा यहूदियों के लिए जासूसी कर रहे हो दोस्तों मैं एक बात बताता हूं ये क्यों समझने की जरूरत है और यहां पे आपको भारत की डिप्लोमेसी को एक बार तो सल्यूट करना पड़ेगा चक्कर देखिए ऐसा है कि हाल फिलहाल में कुछ समय पहले अरब स्प्रिंग हुआ था जहां पे आवाम खड़ी हो गई अपने हुक्मरानों के ऊपर उनका तख्ता पलट करने के चक्कर में अरब स्प्रिंग बड़े बड़े शेखों को फड़काया भाई अरब स्प्रिंग ने लेकिन यह मामला थोड़ा सा अलग हो गया देखिए दोस्तों ऐसा है कि ये सारे जो मुसलमान देश है ना जहां पे तेल है इनके पास पैसा बहुत है इनके पास पैसा आवाम पे फेंकने के लिए बहुत है क्या चाहिए मुफ्त बिजली डन मुफ्त स्कूल बच्चों को भेजना है बढ़िया स्कूल डन मुफ्त तेल चाहिए गाड़ी में डालने के लिए डन माँ बाप को टॉप क्लास के अस्पताल में उनका इलाज कराना है मुफ्त डन पैसे ही पैसे हैं खोदे जाओ तेल निकलता जाता है निकलता जाता है निकलता जाता है इससे क्या हुआ है कि इनका रवैया अड़ियल हो गया क्योंकि सब कुछ मुफ्त है अब ऐसी सूरत हाल में जब आपने आवाम को बिल्कुल यह बोला है कि तुम तो मुंह मत खोलना क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं लोकतंत्र वहां पे है नहीं खासतौर से अगर हम कतर की बात कर लें लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है वहां पे अब कतर में लोकतंत्र नहीं है यानी कि लोग अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकते अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते तारीफ कर सकते हैं क्रिटिसिजम करा तो ठोक दिया जाओगे राइट ऐसे मामले में यह जो रियासत है कतर की कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरती है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारी आवाम भड़क जाए किसी चीज को लेकर तो आवाम को शांत करने के लिए और पैसे खर्च करो फ्री का स्कूल अच्छी सड़कें बढ़िया नौकरियां बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए पैसे चाहिए लुटाओ लेकिन मुंह अपना बंद रखना और आवाम भी कहती है ठीक है यार ये तो बहुत बढ़िया डील है ये तो बड़ी शानदार डील है हमें कुछ नहीं चाहिए तुम हमें देते रहो बस हम अपना मुंह बंद रखेंगे पर आवाम मुंह कब खोलेगी आवाम तब मुंह खोलेगी दोस्तों जब यह बोला जाएगा कि आठ हिंदुस्तानी पूर्व नौसैनिक थे जिन्होंने के लिए जासूसी करी आप गेम समझ रहे हैं पूरा समझ रहे हैं आप यानी कि इसराइल को जब आप बीच में लाएंगे तब बगावत हो सकती है तब बगावत हो सकती है और इसको भारत ने मैनेज करा कैसे सबसे पहले वहां के अमीर से मोदी जी मिलते हैं कॉप ट्वेंटी एट पर यूए में जो समिट हुआ मोदी जी मिलते हैं कोने में पकड़ के ले जाते हैं और उसको स्टोरी सुनाते हैं मोदी जी कि बेटा देख ऐसा तो चल बिना राइट ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के आपने आठ बंदे डाल दिए अंदर बोला कि हम उनको फांसी की सजा सुनाएंगे ऐसा नहीं हो सकता फिर शेख ने बोला होगा अमीर ने बोला होगा कि मोदी जी इसमें मैं क्या कर सकता हूं ये जो सजाए मौत है ये तो कोर्ट ने सुनाई है और फिर मोदी जी ने समझाया होगा मैं ऐसा मान रहा हूं होगा कह रहा हूं कि मोदी जी ने यह बोला होगा कि बेटा तुम्हारे यहां क्या कोर्ट की औकात है तुम्हारे यहां कौन सा लोकतंत्र है जो तुम कोर्ट का हुक्म बजा रहे हो यहां पर बोलो कोर्ट ने बोला था तुम ही बेताज बादशाह अपने मुल्क के तुम ही कोर्ट हो तुम ही सुप्रीम कोर्ट हो तुम ही आर्मी चीफ हो तुम ही प्रधानमंत्री हो तुम ही राष्ट्रपति हो तुम ही स्टॉक मार्केट हो तुम ही सब कुछ हो यार करो तो ये मोदी जी ने अच्छा जब मोदी जी लेवल का लीडर आपसे कुछ बोलता है कि मुझे चाहिए फिर मना करना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री के मुंह पर मना करोगे इसका मतलब आप भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हो और जो देश है ना इंडिविजुअल अलग की बात है आपने किसी को फांसी पर चढ़ाया नहीं चढ़ाया जेल में डाला वो एक अलग बात है वो एक प्रोसेस की बात है पर जब आप भारत के प्रधानमंत्री को उनके मुंह पर मना करोगे फिर आप बैर ले रहे हो भारत से फिर कलाप फंसोगे अच्छा दूसरी चीज है कि हाल फिलहाल में पिछले दस साल में भारत का जो रसूख है भारत का जो एक एक कद है वो दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ गया है इतना ज्यादा बढ़ गया है भारत का कद पूरी दुनिया में कि लोग कहते हैं नहीं यार इनसे बात करनी चाहिए इनसे खर, इनसे बात खराब मत करो इनसे बात करो इनके साथ दुश्मनी ठीक नहीं है इनके साथ बैर ठीक नहीं है नो बडी वॉन्ट टू मैसविथ इंडिया इवन अमेरिका डज नॉट वॉन्ट टू मैसविथ इंडिया इवन चाइनाथ इंडिया फिर कतर कौन सी चीज है एनी anyway, वे बीच में डॉक्टर जयशंकर साहब जाते हैं और जैसा मैंने कल आपको बताया था डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान और ईरान में डॉक्टर जयशंकर वहां पर माहौल बांधते हैं और ईरान वालों से कहते हैं देखो यार तुम्हारे दोस्त है ना ये अपने दोस्त को समझाओ अपने दोस्त को समझाओ अपने दोस्त से बोलो कि इतना फर फर ना करे इसके नतज बहुत खराब होंगे अगर भगवान न करे आप उन आठ भारतीयों को फांसी की सजा दे देते हैं तो फिर आप रेत बीनते रहेंगे दुनिया भर में जिंदगी जिंदगी बीत जाएगी रेत बीनते रहोगे इनको समझाओ और क्या प्रेशर अप्लाई करा ईरान पे ईरान पे प्रेशर अप्लाई हुआ है चाबहार पोर्ट का जिसमें अरबों डॉलर भारत ने खर्च कर दिए और एक और चीज दुनिया ईरान से बात करना पसंद नहीं करती दोस्तों आपको एक बात पता है शायद काफी लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है मैं आपको पूरी जियो समझा रहा हूं कि किस तरीके से गेम आया ये और किस तरीके से मोदी सरकार सक्सेसफुल हो गई कैसे हमारे भाई वापस आए ये बहुत बड़ी शतरंज है देखिए दोस्तों कई ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं उदाहरण के लिए रूस ईरान के साथ खड़ा है चीन ईरान के साथ खड़ा है तुर्की ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है चाहे आपस में उनकी ठाठा बम पटाके होते रहे बट जनरली लेकिन जो ईरान के साथ खड़े हैं उनके साथ कौन खड़ा है चाइना के साथ कौन खड़ा है रूस के साथ कौन खड़ा है पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है कोई नहीं खड़ा तुर्की के साथ ना के बराबर सिर्फ भारत है ईरान का दोस्त जिसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है यानी कि कतर की सऊदी से नहीं बनती भारत की दोनों से बनती है कतर की इसराइल से नहीं बनती भारत की दोनों से बनती है कतर की किसी एक्स वाई जेड मुल्क से नहीं बनती भारत की दोनों से बनती भारत की छोड़ के पाकिस्तान दुनिया में सबसे बनती है इवन विद चाइना वी हैव अ ट्रेड ऑफ मोर देन 125 बिलियन डॉलर्स पर ईयर 125 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड आज की तारीख में चाइना के साथ है अब बताओ तो दोस्तों ये सब जब बातें आई ना तो ईरान को बात समझ में आई ईरान ने अलग से फोन मिलाया शेख को बोला शेख इधर तो देख ये इंडियन फॉरन मिनिस्टर बैठा है ये तो आग बबूला हो रहा है क्या कर दिया तुमने यहां से यह बात हुई और चुपके से बिना किसी को बताए बिना मीडिया में कोई जिक्र हुआ कुछ किसी को नहीं पता लगा चुपचाप सीक्रेट ऑपरेशन वहां से डोवाल साहब फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाते हैं दोहा दोहा पहुंच जाते हैं और दोहा में एक और गेम होता है दोस्तों दोहा में कौन कौन बैठे हैं हमास तो बैठा है लेकिन आपको एक बात पता है दोहा में दूसरा कौन सा खिलाड़ी बैठा है दोहा में बैठा है तालिबान ये इतना आसान नहीं है दोस्तों कि अचानक एक फोन करा और लोग आ गए नहीं इसके पीछे कई सारे स्क्रू टाइट करे गए हैं मैं आपको और भी स्क्रू समझाऊंगा अभी इसमें पैसे का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें कई सारे स्क्रू टाइट करे गए हैं दोस्तों कई सारे स्क्रू और एक बड़ा स्क्रू है तालिबान तालिबान को सपोर्ट करता है भारत भी भारत बहुत गेहूं पैसा दवाइयां हर चीज भेजता है और तालिबान की सीनियर लीडरशिप बैठी है दोहा में कतर में वो एंगल भी प्ले में आता है और बीच में जैसा मैंने बताया डोवाल साहब अजीत डोवाल साहब भारत के एने से पहुंच जाते हैं दोहा एक नहीं छह बार छह बार पहुंचते हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई ये बैर में लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा तुम अगर हमारे बंदों को मारोगे तुम हमारे बंदों को फांसी लगाओगे तो फिर इसकी सजा मिलेगी और बरोबर मिलेगी मोदी जी ने दोनों को क्यों भेजा आप यह सोचिए मोदी जी ने सबसे पहले भेजा जयशंकर साहब को कि प्यार मोहब्बत से समझता है तो ठीक है और जब उनको लगा कि ज्यादा हेडवे नहीं मिल रहा है फिर उन्होंने डोवाल साहब को भेजा कि जो प्यार से ना समझे उसको मार से समझा हो जाके तो एक तरफ प्यार चल रहा था एक तरफ मार चल रही थी दोस्तों अब बीच में बात आती है एक अठहत्तर अरब डॉलर की डील की सेवेंटी एट बिलियन डॉलर्स की डील जिसमें भारत की बचत हुई तकरीबन 6 अरब डॉलर आपको पता है दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल एन जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये कौन है ये कतर है। और भारत ने बीस साल की डील कतर के साथ साइन करी है बीस साल की डील कतर भारत को एल देगा और इतने अच्छे रेट पे देगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स भारत 6 अरब डॉलर बचा भी लेगा यानी कि कतर को पता है कि ये बहुत बड़ा ग्राहक है भारत कौन है जब भारत जाता है नेगोशिएट करने के लिए कतर के साथ तो भारत एज अ ग्राहक जाता है जब पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान एज अ भिखारी जा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं आइडिया आपको लग जाए क्या है जब आप ग्राहक होते हैं आपकी अलग इज्जत होती यार। 78 है यार सेवेंटी एट बिलियन डॉलर छोटी बात है अठहत्तर बिलियन डॉलर की डील भारत करता है कतर के साथ कतर ऑलरेडी प्रेशर में आता है एक और प्रेशर बनाया जाता है कतर की पूरी इकोनॉमी कतर में तो कतरी बहुत कम है वहां पर 90 परसेंट लोग बाहर के हैं और उसमें से शायद सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है नंबर वन या नंबर टू पे वो भारतीयों की है चाहे उनकी कंपनी का सीईओ हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो चाहे उनके डॉक पे काम करने वाला मजदूर हो या उनकी कंपनी की पूरी अकाउंटिंग रखने वाला सी सारे के सारे ऊपर से नीचे तक इंडिया दोस्तों अगर ऐसा हो कि कतर जो भारत के आठ नौ सैनिक जेल में थे कतर उनको फांसी लगा देता है और जवाबी कार्रवाई में भारत यह करता है कि ठीक है कोई बात नहीं आपके साथ जो हमारी डील है अठहत्तर अरब डॉलर की वो कैंसिल होती है हम आपसे नहीं लेते पहली बात दूसरी चीज जितने भी लाखों भारतीय आपकी इकोनॉमी को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं सीईओ से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर साइंटिस्ट से लेकर दुकानदार से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर जो अकाउंटेंट है उससे लेकर पूरा जो इको है जो इंडिया चला रहे हैं मोदी जी कल बोले कम बैक बहुत हो गया इनके ड्राम में कतर की इकोनॉमी कलेप्स हो जाएगी कतर को ये सब बड़े प्रेम पूर्वक डायरेक्टली कुछ नहीं बोला पर उनको समझाया गया कि बेटा आप तो समझदार हो आप तो सब समझते ही हो इस तरीके से कतर को धीरे 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 बोतल में उतारा गया कतर शांत हो गया हमारे आठ भाई छूट गए और यहां पे मोदी जी ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि 14 फरवरी दोस्तों आज 13 तारीख है 14 फरवरी यानी कि कल ये पूरा जो एलान मोदी का है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत आलान मोदी का जो पूरा मैटर है इसके बाद और सब कुछ मंदिर का जो इनोग्रेशन है करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मोदी जी पकड़ेंगे जहाज और पहुंचेंगे कतर अब मोदी जी कतर क्यों जा रहे हैं सोचिए आप बात सोचिए जरा आपने दिमाग लगाइए जब भी प्रधानमंत्री किसी भी देश जाता है एक दो महीने पहले आपको पता होता है कि भाई ये देश का प्रधानमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जाएंगे अमेरिका ये जाएंगे फ्रांस ये जाएंगे इटली ये जाएंगे यूएई ये जो बैप्स के मंदिर का इनोग्रेशन कल कर रहे हैं तो तीन महीने से मीडिया गाना गा रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं करो 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 यहाँ पे टीम्स जा रही हैं ये वो जाके फोटो मंगवाओ क्या वीडियो जाके खींचो वहाँ रिपोर्टिंग करो लाइव हो रहा है यहाँ पर ये तो होता ही है देश का प्रधानमंत्री है भाई कॉमन मैन थोड़ा ना आम आदमी थोड़ा ना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी जहां पर भी जाते हैं कोई भी हेड ऑफ स्टेट जाता है कहीं पे, तो कई महीनों पहले प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स हो जाता है मीडिया को बता दिया जाता है ऐसा वैसा ये वो दुनिया भर की चीज चौदह तारीख को मोदी जी कतर जा रहे हैं आपको पता था किसी को नहीं पता था एक जहाज लेकर आया हमारे भाइयों को जिनको सजा मिली थी उनको कतर से भारत भारत में लैंड हुए उसी दिन अनाउंसमेंट हो जाती है कि मोदी जी कतर जाएंगे क्यों जा रहे हैं मोदी जी कतर यह तो ट्रिप प्लान नहीं थी ये तो पहले बात नहीं हुई थी और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको छोड़ा भी गया जो बैप्स वाला मंदिर है स्वामीनारायण का मंदिर यूएई में उसके तीन दिन पहले कैसे छोड़ दिया मैं तीन दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल चौदह तारीख और कल कलगनेशन होगा तो मैं उल्टा गिन के फिर आपको तीन बता रहा हूं यह सब गेम सेट करा गया है कतर को बोतल में उतारा गया है शीशे में उतारा गया है कतर को कतर से अपनी बात मनवाई गई है और यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि 2023-2024 की ये अगर पहली विन हमारी डिप्लोमेटिक है जी ट्वेंटी अगर हमारी पहली विन है सबसे बड़ी जी ट्वेंटी तो हमें यह मानना पड़ेगा पिछले दो चार साल की दूसरी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है ये हमारे आठ भाई जो वापस लेकर आए हैं सक्सेसफुली लेकर आए हैं सात वापस आ गए एक वहीं पर है डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो भी वापस आ रहा है आप समझ लीजिए इसराइल का नाम लेके जासूसी के संगीन जुर्म वो इट तो वॉज फेक चार्जेस नॉट ट्रू लेकिन फिर भी जहां पे आपने इसराइल का नाम ले लिया जहां पे आपने यहूदी का नाम ले लिया तो आलम इस्लाम में तो सोच बंद हो जाती है फिर फिर तो एग्रेशन शुरू हो जाता है कि मारो 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 यहूदी है वहां से निकालना बहुत बड़ी बात है दोस्तों अब अल्हान मोदी है हान मोदी में कहते हैं हजारों लोग आएंगे कोई ढाई हजार बोल रहा है कोई पांच हजार अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ी शो है अलहान मोदी यानी कि वेलकम मोदी स्वागत है मोदी अलहान मोदी में और अलहान मोदी में ये यू के साथ अपना आगे का रोड मैप बताएंगे यूए बड़ा इंटरेस्टेड है क्यों क्योंकि यू भी तेल प्रोड्यूसर तो है लेकिन यू एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट भी है दोस्तों दुबई के पास कुछ खास तेल वेल नहीं है लेकिन सबसे मशहूर शहरों में अगर आप दुनिया के टॉप टेन शहर लें और आप बोलें कौन मशहूर है किसके पास पैसा है तो उसमें दुबई का नाम पक्का आएगा जहां पे न्यूयॉर्क टोक्यो लंदन इन सब का नाम आएगा मुंबई वहां पे पक्का नाम दुबई का भी आना है बिना तेल के उन्होंने रेत के बीच में महल खड़े कर दिए तो दोस्तों दुबई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोदी जी जा रहे हैं यूए वहां पर बात करेंगे प्रवासी भारतीयों से वहां पर बात करेंगे शेखों से वहां पर होंगी बड़ी बड़ी डील्स वहां पर मैप बनाया जाएगा अगले पंद्रह बीस पच्चीस तीस सालों का कि भारत और यूएई के रिश्ते कैसे होंगे वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी जाएगी दोस्तों वहां पर तेल की बात करी जाएगी वहां पर धंधे बिजनेस की बात करी जाएगी इसलिए मोदी जी वहां पर जा रहे हैं और वहां पर दोस्तों जो मंदिर का इनोग्रेशन हो रहा है आप समझ लीजिए यूएई के लिए वो एक ब्रांड बन चुका है मंदिर क्योंकि यूएई अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि कट्टर मुस्लिम देश है नहीं यहाँ पे हिंदू का भी स्वागत है यहां पे ईसाई का भी स्वागत है यहाँ पे, पे सिख बौद्ध जैन पारसी जो भी धर्म का बंदा है ना उसका बहुत बहुत स्वागत है ये कागजों में सेक्युलर नहीं है कागजों में यू ए सेक्युलर नहीं है लेकिन यू अपनी हरकतों से अपने एक्शन से यह बता रहा है कि हम सबको बराबर मानते हैं यहां पे ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुस्लिम देश है सिर्फ मुसलमानों की सुनी जाएगी आप आइए आप चर्च भी बनाइए आप गुरुद्वारा साहब भी बनाइए आप मंदिर भी बनाइए आप सबका स्वागत है मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को यूए से बहुत सीखने की जरूरत है दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म अब आते हैं सवाल और जवाबों पर पहला सवाल है मोहित का जैन सर जैन मोहित जी ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन चीन और रूस के बारे में इनको पता है कि चाइनीज यून में इन्होंने पाकिस्तान के साथ ऑयल की ट्रेड शुरू कर दी थी बिल्कुल कर दी थी साहब मैं ये नहीं देख पा रहा मैं ये नहीं देख सकता या आई कांट सी देम मैं ऐसा नहीं देखता कि ये भारत को सपोर्ट करेंगे कश्मीर में या पाकिस्तान को कंडेम करेंगे देखिए आप जो कह रहे हैं कि रशिया इज हेजिटेटिंग वाई इज रशिया हेजिटेटिंग टू सपोर्ट इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ऐसी बात नहीं है रशिया ने हर समय इंडिया में जो टेररिज्म हुई उसको कंडेम करा है और आपको सपोर्ट क्या चाहिए ये दो दो कौड़ी के लश्कर से लड़ने के लिए अरे रशिया सपोर्ट करेगा हम खुद सपोर्ट करेंगे यार हम हम रशिया को सपोर्ट करते हैं दुनिया को सपोर्ट करते हैं क्या दिक्कत है इसमें रशिया भारत के साथ कल भी खड़ा था आज भी खड़ा है कल भी खड़ा रहेगा तो रशिया एक अकेला देश था शुरू में जिसने ये बात कही थी कि भारत को परमानेंट मेंबर ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए फिर अमेरिका भी जुड़ा फ्रांस भी जुड़ा इंग्लैंड भी जुड़ा अब सिर्फ चीन थोड़ा सा है वो यू नो शादी के फूफा जैसा मुंह सड़ा के कोने में बैठा हुआ है लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ एवरीबडी सपोर्टिंग इंडिया और इसमें मुझे नहीं लगता कि रूस और इंडिया एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है कि रूस जो है वो चाइनीज कैंप में जा रहा है यह बात आपकी सच है लेकिन रूस किसी का डिक्टेशन नहीं लेता यार अगर चाइना ये सोचे कि रशिया को डिक्टेशन दे देगा आई एम सॉरी रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरी चीज ये रशिया की गलती भी नहीं है एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमरीका ने इतना छीछा लेदर फेर दिया है कि रूस के पास और कोई चारा बचा ही नहीं उसको दोस्त चाहिए थे आपने हर जगह से उसको बंद कर दिया उसको ऐसा दोस्त चाहिए था जिसके साथ उसका बॉर्डर लगता था जो उसको सपोर्ट करे चीन ने बोला यस आई एम हियर रूस चला गया ये इसमें रूस का घाटा नहीं इसमें अमेरिका का घाटा है है संजय 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 जी जी नमस्ते सर, नमस्ते सर मेरा नाम है, मैं हरियाणा से हूं सर चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्यों नहीं छोड़ देता इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्यों नहीं छोड़ देता और सेकंड स्टेपल वीजा पॉलिसी के एक्शन क्यों नहीं लेता और थर्ड टिब्बे को आजाद देश का दर्शा क्यों नहीं देता और सेवेंटी 1971 पाकिस्तान ने तिरानवे हजार सोलह सरेंडर कर सब पीओके को वापस क्यों नहीं लिया अरे बाबा संजय भाई आपने ना चार पांच सवाल एक साथ पूछ लिया मैं सिर्फ एक आपके सवाल का जवाब दूंगा ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्यों नहीं छोड़ देता ठीक है जब मौका आएगा वो भी छोड़ देंगे आज हम वन चाइना पॉलिसी छोड़ दें हमें क्या फायदा है देखो आपका भी ऐसा मत सोचना कि इंडिया ने बोला कि हम वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते आपने बोल दिया चाइना गुस्सा हो गया इंडिया में गुस्सा हो गया हो गया इससे फायदा क्या हुआ भारत को भारत का फायदा होना चाहिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे चाइना का नुकसान हो जाएगा चाइना का नुकसान को छोड़िएगा भारत का फायदा जब चाइना में कंपनीज छोड़कर भारत आती हैं तब हमें इसलिए खुशी होती है कि वो कंपनी चाइना छोड़ के भारत आ गई क्योंकि हमारा फायदा हुआ हमारा फायदा होना चाहिए वही कंपनी अगर इंडोनेशिया चली गई थाईलैंड चली गई आपको इतनी खुशी होगी नहीं होगी क्योंकि आपको यार ठीक है छोड़ के चली गई यार सानू की दैट इज़ वोट एम सेइंग डॉक्टर हर्षल मेहता जयंदर नमस्कार मेजर साहब कैसे हैं आप हर्षल जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसे हैं केम छो अहमदाबाद में गर्मी हो रही है क्या हो रहा है अहमदाबाद में बताइएगा डॉक्टर हर्षल मेहता मित्र हैं दोस्तों हमारे अहमदाबाद में रहते हैं वॉट सोशल डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंट चेंजेस विल बी इन प्लेस वंस यूसी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री ये जो आपने हर्षल मेहता जी जो सवाल पूछा है भाई ये हाईली पॉलिटिकल सवाल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम मिलेंगे वन टू वन कभी आपका दिल्ली आना हुआ मेरा अहमदाबाद आना हुआ मैं पक्का आपको इस सवाल का जवाब दूंगा लेकिन ये जो मामला है ना जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चन है मैं इसको अभी नहीं लूंगा माफी चाहता हूं आपसे प्रतीक हरसुड़े जय श्री राम भारत माता की जय प्रतीक जी जय श्री राम भारत माता की जय सर जैसा आपने बताया कि अगर हम वो कंट्री से ऑयल बाय करते हैं जिस पर अमेरिका बोल चुका है कि कोई भी यहां से ऑयल बाय करेगा तो उसके ऊपर सेंक्शन लिया जाएगा या फिर अटैक होगा ऐसे तो अमेरिका अपने ही दुश्मन बना रहा है और ये सब मिलकर अमेरिका पे अटैक करें तो क्या अमेरिका खुद को सेफ रख पाएगा और वो कौन सी कंट्रीज होंगी जो अमेरिका का साथ देंगी अगर वॉर हो जाए तो और क्या इंडिया इसमें अमेरिका का साथ दे नहीं देखिए ऐसा नहीं है ये मार्केट है दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक वॉरफेयर ठीक है ना मैं आपका सवाल समझ गया आप ये कह रहे हैं कि कल मैंने ये बताया था कि साहब अमेरिका ने बोला वेनेजोला से ऑयल मत खरीदो रूस से मत खरीदो ईरान से मत खरीदो देखिए इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है अमेरिका की ताकत है सैक्शन लगाने की अमेरिका ने सैक्शन लगा दिए ये जितनी भी कंट्री हैं मिलके अमेरिका का कुछ नहीं कर सकती अमेरिका का जो बड़ा जहाज़ है ना एयरक्राफ्ट कैरियर उसका पेंट नहीं खरोच सकती है मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की मैं बात कर रहा हूं ईरान की कुछ नहीं कर सकती अमेरिका की लीडरशिप वीक है अमेरिका वीक नहीं है जिस दिन अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया इनको ठोकने में दो मिनट नहीं लगेंगे अमेरिका को राइट और दूसरी चीज है अमेरिका कंट्रोल क्यों करता है क्योंकि अमेरिका कर सकता है अमेरिका के पास ताकत है अमेरिका के पास मिलिट्री फोर्स है उसके पास फाइनेंशियल कौन मिलकर मिलकर अटैक अटैक करेगा अगर ये के कर, सकते भाई, के तो बहुत पहले कर चुके होते हैं है। इनको पता है सोचना भी अगर ये सोचेंगे भी ना अमेरिका के ऊपर अटैक कर इसका अंजाम इतना बुरा होगा अमेरिका तो पूरे मुल्क के मुल्क बर्बाद कर देता है ना एक बार घुसता है तो फिर पूरा मुल्क दीमक की तरह चढ़ जाता है कोई नहीं चाहता इसके साथ ऐसा हो टोटल गुंडा गर्दी चल रही है इन लोगों की है ना तो दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय और जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म बिल्कुल जी जो बातें मेरे हिसाब ने की है ना बड़ी डीपली बता दिया कि किस तरह आस्था आस्था करके स्क्रू टाइट किया गया मतलब कि इस तरह की पुलिस अपनाई की है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और इसमें इंडिया स्पेशली पीएम मोदी साहब कामयाब हो गए और चौंका देने खबर यह है कि इंडिया सॉरी पीएम मोदी कल चौदह तारीख को उन्होंने दुबई जाना था, के के तो दुबई तो था। दुबई जाना था इफ्तार था वो भी हो गया तो उसके बाद उन्होंने तो वही भी वैसे कतर का, का मेरे दौरे का नहीं पता ही इटली जाना था मंदिर के इफ्तार के लिए छब्बीस तारीख को ये वाकई फरवरी को वाकई का दौरा अचानक हुआ है इसके बारे में पहले नहीं पता

बात कर रहा हूँ तो इस मसले को ज्यादा जो है ना लंबा भी कर सकते थे कोई तो टाइम भी लग सकता था देख लें कितने दिनों में उनकी सजा जो है वो मुतल हुई है सजा खत्म हुई है और फिर उनको देख लें के वापस इंडिया भी लाया गया है

के जो ना अपना पीएम मोदी और डॉक्टर एस जय शंकर और दूसरे क्या अजीत दौर उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ था आराम आराम के साथ उन्होंने काम किया उन्होंने उनके चीज़ें गिनवाई देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है बंदे बन जाओ इंसान बन जाओ मारे नेवी ऑफिसर छोड़ दो तो उनके भेजे में कुछ चीज़ें चलेगी वो भी है। मतलब वो है कि उन्होंने एक धमकी दी उनको आपके कहने के लिए धमकी से मैं नहीं आ सकता लेके खाते नहीं जाती या इंडिया जो बिठाए बैठे हुए हैं ऐसी बात ना तो लोगों का वे दो वरना बुकरा पड़ेगा वरना तो लगता है ऐसा अजी दिमाग या डॉक्टर ने शारीरिक या कुछ भी नहीं कर पर क्यों छोड़ा भाई वो अपने कुछ रिलेशन अच्छे लेना वफाद अपने वफाद क्यों ले रहीतिया से सॉरी कदर से

भाई अंदर की बात नहीं पता कि अंदर की, की बात दोनों कंट्री में क्या कि को छोड़ना पड़ गया कतर के लोग सजा दे रही थी क्यों छोड़ा है ये बड़ी वजह हमें पहुंची वाली बात क्या है ऐसे लोग कैसे अपने आप से क्या ये कह वो कह ये बात निकल आनी है तो रानी नहीं निकल ही आनी है तब की तब देखी जाएगी वे लाल अच्छा हुआ उनको छोड़ दिया है

पाकिस्तान, पाकिस्तान की ये तो फिर जाती है ना हमारे ना। इंडिया <coughs> देख लें कि जो इंडिया के अद्वियात है मैंने सुना कतल इसलिए खरीदता है क्योंकि सस्ती पड़ती हैं खरीदने में तो यूरोप से भी खरीद सकता है <coughs> यू एस से खरीद सकता है लेकिन सस्ती पड़ती है थोड़े पैसे जो है ना दूसरी मेरे साथ बात की कतर की अपनी आबादी जो बहुत कम है जो फॉरन है वही वो उधर काम करते हैं उनकी है। स्पेशली इंडियन बहुत ज़्यादा वाकई में वो कहते हैं कोई डॉक्टर है तो इंडियन कोई नर्स है तो इंडियन कोई शॉप ही कोई भी है उधर इंडियन काम कर उनको उनकी कंट्री को रन भी इन्हों के चला भी इंडियन ही रहा तो हर वालों की मजबूरी बन गई थी यार ये जो नेवल फिशर्स थे ये अभी इंडियन ही थे ना इंडियन ही थे इंडियन ही थे ना इसका मतलब ये वो उनकी

लेकिन दुनिया की पांचवी बड़ी कंट्री है दुनिया की पांचवे नंबर पे है तो पांचवें देख लेना तो ये भी अच्छी बात है हर कंट्री में पाकिस्तान से श्रीलंका से अफगानिस्तान से ऐसी कंट्रियों से ज्यादा तदाद है बहुत सी बातें देखी होगी बहुत सी साडें चांगत है ऐसे नहीं छोड़ रहे एक वक्त भी लगा है लेकिन छोड़े कुछ देख के

टाइमिंग बड़ी चीज़ें वो करते हैं उनकी जो तो टाइमिंग होती है ना मतलब वो जिस तरह पर मिसाल दी हैं कि जब लोहा गर्म होता ना, है।, है, है।, गरम है ना तब वो चोट मारते हैं ये बात इंडिया की डिप्लोमेसी है उनकी फॉर पॉलिसी में है जब लोहा पूरा गर्म है ना तब उनके जो है ना लोग उधर उनको चोट लगाते हैं ताकि उसका फ़ायदा भी हो लेकिन हम क्या करते हैं ठंडे लोहे पर चोट लगाते हैं हथौड़ा थो, भी तोड़ लेते हैं और लोहे को भी कुछ नहीं होता तो ये तो मेरे ख्याल में हम तो ठंडे पे भी नहीं मारते मारते भी नहीं ये भी मारते भी नहीं आते हम तो लेने सोए होते हैं थोड़ा लेकर है भाई चले बात ये हम और भी टॉपिक्स थे जिसको मतलब मैं ना टच नहीं करना चाहता जिसमें स्पेशली इसराइल से नफरत और अहादीस का वाला मैं उसको क्योंकि वो रिलेशन उसको छोड़ देता पार। मैं पहले बार बार अच्छी बात है के बंदे वापस आ गए हैं